इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। बेलगाम शहर के वड़गांव इलाके में अजीब वारदात पेश आई, जिससे आज भी लोगों में लड़की पैदा होने को लेकर कितनी घटिया ज़हनियत है इसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। माशरे में कहने को बहुत कुछ है पर अमल कोई नहीं करता, और इसे किसी मखसूस माशरे से जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तकरीबन सभी माशरे आज की तारीख में एक जैसी ही सोच रखते हैं। हिंदू मजहब में अगर बेटी को लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती और दिगर नामों से पुकारा जाता है तो मुसलमानों में भी लड़की पैदा होना मुबारक और जन्नत की जमानत कहा जाता है। हदीस मुकद्दसा में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशनसीब है वो शख्स जिसको बेटी नसीब हुई। बेटियां दुनिया में अजर बरकात के साथ आती हैं। अगर आप अपनी बच्ची की देखभाल, परवरिश, मोहब्बत, ताउन और तालीम के साथ करते हैं तो जन्नत आपकी मुंतजर है। खैर, वड़गांव में अजीब मामला ये पेश आया कि खातून को तीसरी मर्तबा बेटी पैदा हुई तो घर वालों ने दहाड़े मारकर रोना शुरू किया। पड़ोसियों को लगा कि शायद किसी का इंतकाल हुआ हो, पर हकीकत मालूम हुई तो हाय अफसोस कहना पड़ा। गली मोहल्ले में बेटी के बाप को समझाया गया, लड़की पैदा होना भगवान की मर्जी है। हासिल इत्तला के मुताबिक शादी के बाद दो लड़कियां हुई। मुख्तलिफ मंदिरों में जाकर बेटे के लिए मन्नत मनाजात भी किए। ज्योतिषी से भी पूछा तो उसने बेटा होने की यकीनी बात कही, तो इस बात को लेकर घर के लोग लौटे थे और इन्हें इस बार पूरी उम्मीद थी कि अब बेटा ही होगा। लिहाजा तीसरी मर्तबा फिर लड़की होने से जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। अतराफ के लोग कुछ अनहोनी होने के शक से घर की तरफ दौड़े तो मातम सिर्फ लड़की होने पर मनाने की बात सामने आई। अब इसे सिर्फ एक आध वाकया समझकर नज़रअंदाज करने का नहीं। अक्सर घरों में इस तरह की जहनियत जाहिल तो कभी कभार पढ़े लिखे लोग भी अपने आप को नाम निहाद दीनदार समझने वाले भी रखते हैं ऐसी जहनियत। कहने को सभी कहते हैं कि लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं होना चाहिए, पर जब यह मामला खुद के साथ पेश आता है तो चेहरे का रंग और अल्फाज भी बदलने लगते हैं। बहू के साथ रवैया तब्दील हो जाता है। पूरे घर के लोग एक तरफ होकर गोया बहू के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। 21वीं सदी की दुहाई देने वाले भी इस तरह के खुराफात में मुलविस होते दिखाई देते हैं। वड़गांव का मामला मंजर आम पर तो आया है, पर इस खुराफात में माशरे का अक्सर तबका मुलविस है। यह सच्चाई है। इन जाहिलों पर सभी को लानत भेजनी होगी, फिर वो किसी भी मजहब का, किसी भी समाज का हो। कॉर्पोरेशन इंतखाबात की सरगर्मी अंदरूनी तौर पर जारी है। कुछ ख्वाहिशमंद हाजरात तो अभी से कॉर्पोरेटर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अक्सर यह भी सुनने में आ रहा है कि अक्सर कॉर्पोरेटर ख्वाब में कॉर्पोरेशन इहाते में घूमते रहते हैं। खैर, जब जागते हैं तो तस्वीर अलग होती है। लिहाजा बेलगाम कॉर्पोरेशन चुनाव मार्च महीने में होने के इम्कान कहे जा रहे हैं। बेलगाम शहर के वार्डों के हद यकीनी करने के लिए तमाम दस्तावेजों के साथ कॉर्पोरेशन मोकमा बागलकोट रवाना होने की बात कही जा रही है। इस दौरे को बड़े ही खुफिया अंदाज में रखा गया। सेक्रेटरी HB पीरजादे के जेर मातहत मोकमा रवाना होने की बात कही जा रही है। पिछले महीने से ही हद यकीनी करने का काम जारी था और इसी काम को तकमील तक पहुंचाने के लिए तमाम मोहकमा बागलकोट रवाना इससे पहले भी हुए थे, पर काम न मुकम्मिल कहकर बागलकोट में एतराज किया गया, जिससे कॉर्पोरेशन आमिलों को वापस लौटना पड़ा था। तब से काम खुफिया तौर पर जारी सैटेलाइट जियो टैगिंग के जरिए हद को यकीनी करने का काम जारी था। अब बागलकोट दौरे को लेकर कुछ अफवाहें भी गश्त कर रही हैं कि हद यकीनी के आड़ में कहीं वार्ड पुनर्रचना तो नहीं की जा रही। लिहाजा इस सवाल पर कॉर्पोरेशन बेलगाम की जानिब से इनकार किया जा रहा है। कुछ साबिक कॉर्पोरेटर के मुताबिक 2007 के मुताबिक हद को यकीनी तो बनाया जा रहा है, साथ में नए वार्डों का भी कयाम अमल में आएगा। वाजा रहे कि जिस तरह 2018 में खुफिया तौर पर काम को अंजाम दिया गया था, उसी तरह भी खामोशी बरती जा रही है। पर यह खामोशी यकीनन कॉर्पोरेशन इंतखाबात की ही है, ऐसा कुछ लोगों का कहना। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।